नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की ड्रोन से होगी निगरानी। मैट्रिक पास विद्यार्थियों के लिए अहम खबर। किसानों के लिए बिहार सरकार का अहम फैसला। अगले दो दिनों तक आंधी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। इंग्लैंड दौरे के लिए कमर कसकर तैयार है रोहित और विराट। अब चले बढ़ते हैं बिहार के शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की ड्रोन से होगी निगरानी। मॉनसून ने राज्य में मजबूती से पकड़ बना ली है। भले ही दक्षिण बिहार में पर्याप्त बारिश नहीं हुई हो, लेकिन उत्तर बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। इस बीच बाढ़ की संभावित खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन ने पुख्ता तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस बार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी ड्रोन के जरिए की जाएगी। वहीं सभी पंपिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर पटना जिले में 156 किलोमीटर लंबा तटबंध है। ड्रोन से निगरानी होने से पानी का दबाव होने पर उसकी स्थिति की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। प्रशासन, नगर निगम और बुडको की टीम को एक्टिवेट कर दिया गया है। सभी अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। मैट्रिक पास विद्यार्थियों के लिए अहम खबर। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2022 पास कर चुके छात्रों के लिए अहम खबर है। ऐसे छात्र जो कि बिहार बोर्ड से इस साल मैट्रिक की परीक्षाएं पास कर चुके हैं, उनके नामांकन के लिए आवेदन आज से शुरू हो चुका है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वावधान में इंटर में नामांकन के लिए आज से छात्र आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आगामी 30 जून तक चलेगी। उसके बाद बोर्ड की तरफ से प्रथम चयन सूची जारी की जाएगी। सूची के आधार पर ही इंटर स्तरीय स्कूल कॉलेज में नामांकन लिया जाएगा। किसानों के लिए बिहार सरकार का अहम फैसला। किसानों के लिए नीतीश कुमार की अहम सूचना सामने आई है। बिहार सरकार किसानों से गेहूं धान की खरीद पर 10,000 करोड़ की गारंटी देगी। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में गेहूं धान की खरीद के लिए राज्य सरकार 10,000 करोड़ की गारंटी देगी। ये गारंटी कमर्शियल बैंक, नाबार्ड जैसे संस्थानों से कर्ज लेने पर मिलेगी। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूंजी के रूप में विभिन्न वित्तीय संस्थानों में त्रैमासिक ब्याज दर पर लिए जाने वाले कर्ज के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राजकीय गारंटी देने की मंजूरी दी गई है। वहीं कृषि यात्रीकरण योजना के तहत इस साल 94,54,000 रुपए कर्ज करने की मंजूरी मिली है। इसके तहत ही राज्य के किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर 80% तक अनुदान मिलेगा। लंबित शैक्षणिक सत्र को हर हाल में इस साल पूरा करें। विश्वविद्यालय बिहार के अधिकतर विश्वविद्यालय में परीक्षाएं समय से पूरी नहीं होती है और इसकी वजह से परीक्षा के परिणाम भी समय पर जारी नहीं हो पाते। इसकी वजह से ना जाने कितने बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए बाधित हो जाते हैं। शिक्षा विभाग में विश्वविद्यालयों की लचर व्यवस्था को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने सख्त निर्देश अब जारी किया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सभी यूनिवर्सिटी में यूजी, पीजी और प्रोफेशनल कोर्स के बैकलॉग सत्रों के लंबित शैक्षणिक सत्रों को हर हाल में इस साल के अंत तक खत्म करने का निर्देश दिया है। आज से बिहार में चलने लगी सभी लोकल, मेमू और डेमू पैसेंजर ट्रेनें। अग्निपथ स्कीम को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन के बीच रेल सेवाएं ठप हो गई थी, जिसको लेकर लगभग एक सप्ताह तक बिहार को आने वाली या फिर बिहार से जाने वाली रेल के परिचालन बाधित रहे। हालांकि अब हालात सुधरने के बाद एक बार फिर से रेल सेवाएं बहाल कर दी गई है। इस बीच रेलवे ने अब पुनः सभी क्षेत्रों में लगभग सभी ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र में ज्यादातर ट्रेन जो आज से शुरू की गई है वो लोकल, मेमू और डेमू पैसेंजर है, क्योंकि लंबी दूरी वाली अधिकतर ट्रेनों का परिचालन दो दिनों पहले से ही धीरे धीरे शुरू कर दिया गया है। साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि यह संक्षिप्त जानकारी है। अगर आप रेल से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पूर्व मध्य रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अगले दो दिनों तक आंधी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रदेश में मॉनसून ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। दक्षिण बिहार में पर्याप्त बारिश हो ना हो, लेकिन उत्तर बिहार में लगातार बारिश और वज्रपात का होना जारी है। वहीं राज्य में अगले 48 घंटे तक अलग अलग जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। बुधवार और गुरुवार को राजधानी पटना समेत सूबे में मॉनसून संबंधी गतिविधियां जारी रहेंगी। वहीं बीते दिन सीमांचल के अधिकतर इलाके में भारी बारिश देखी गई। साथ ही आंधी बारिश और ठनका की चपेट में आने से बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 5 लोगों की जान भी चली गई है। मौसम विभाग पटना की माने तो पटना, बक्सर समेत 20 जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। दिव्यांगों को मिलेगी मुफ्त बैटरी ट्राईसाइकिल। पढ़ाई और रोजी रोजगार में बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए दिव्यांग को बिहार सरकार हर संभव सुविधा मुहैया करवा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा ग्रहण कर रहे और नौकरी एवं रोजगार से जुड़े दिव्यांगजनों को बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल में मुफ्त में उपलब्ध करवाने की बात कही है, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि राज्यभर में दिव्यांगों को 10,000 बैटरी चलित ट्राईसाइकिल का वितरण किया जाएगा। खास बात यह है कि ये ट्राईसाइकिल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिव्यांगों को बांटी जाएगी। खबर के मुताबिक इसके पहले दिव्यांगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी और ये कमेटी योग्य लाभार्थियों को चयन करेगी। एसडीएसओ को सौंपी गई बांधों और बराजों के रखरखाव की जिम्मेदारी।
बिहार में मॉनसून कायम है और नदियों का भी जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में खतरे की संभावना बढ़ जाती है। वहीं संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन ने भी चौकसी बढ़ा दी है। इस बीच बिहार के तमाम बांध और बराजों की निगरानी राज्य बांध सुरक्षा संगठन को सौंप दी गई है। इसके लिए जल संसाधन विभाग ने 56 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम बनाई है। हाल ही में इसका गठन किया गया है। यह टीम बांधों और बराजों का निरीक्षण, रखरखाव और निगरानी करेगी। इन बांधों और बराजों की संपूर्ण देखरेख की जिम्मेवारी इसी टीम के पास होगी। केंद्रीय रूपांकन शोध एवं गुण नियंत्रण के मुख्य अभियंता के नेतृत्व में यह टीम काम करेगी। आपको बता दें कि SDSO के पास राज्य के 27 बांधों और 5 प्रमुख बराजों की संपूर्ण निगरानी की जिम्मेवारी होगी। विधायकों के सवाल के जवाब दे अफसर। बिहार के कुछ बड़े अफसर विधायकों को अधिक भाव नहीं देते हैं, लिहाजा विधानसभा में अफसर से अगर कोई सवाल किया जाता है तो समय से उसका जवाब भी नहीं दिया जाता। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने 24 जून से शुरू हो रहे विधानमंडल मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, चिकित्सा, सफाई, पार्किंग सहित अन्य सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने 2 साल से लंबित विधायकों के प्रश्नों के उत्तर को लेकर भी सख्त चेतावनी दे दी है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेगी जदयू। एनडीए की तरफ से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया, जिसके बाद बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी पक्ष सामने आया। बुधवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने स्पष्ट किया है कि जदयू का पूरा समर्थन द्रौपदी मुर्मू को रहेगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव में गरीब परिवार में जन्मी एक आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिद्धांततः महिला सशक्तिकरण और समाज के शोषित वर्गों के प्रति समर्पित रहे हैं। जदयू श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का स्वागत एवं समर्थन करता है। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। 24 जून को गंगा ड्राइव वे का मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। राजधानी पटना में गंगा ड्राइव वे का निर्माण किया जा चुका है, अब बस इंतजार है लोगों को इसके उद्घाटन का। गंगा ड्राइव का लुफ्त उठाने में अब बस 2 दिन बाकी है। आने वाले 24 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा ड्राइववे का उद्घाटन करेंगे। दरअसल पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि लोकनायक जेपी गंगा एक्सप्रेसवे योजना का कार्य पूरा समय पर कर लिया गया है। उद्घाटन 24 जून को होगा। इसके अंतर्गत दीघा से पीएमसीएच तक काम पूरा कर लिया गया है। इसकी लंबाई करीब 6 किलोमीटर बताई गई है। पटना के इस मरीन ड्राइव को लेकर लोगों के अंदर काफी कौतूहल की स्थिति है। लोग दूर दूर से इस गंगा पथवे को देखने पहुंच रहे हैं। अग्निपथ स्कीम के विरोध में तेजस्वी यादव ने किया पैदल मार्च। अग्निपथ योजना को लेकर कभी तोड़फोड़ तो कभी बिहार बंद तो कभी भारत बंद तक सरकारी संपत्ति के साथ साथ निजी संपत्तियों को भी अपार क्षति पहुंचाया जा रहा है। इस बीच अग्निपथ योजना के खिलाफ आज राजद ने भी अपनी रैली निकाली। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार के विपक्षी दल आज यानी कि बुधवार को राजभवन मार्च निकालते देखे गए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन से जुड़े दलों के विधायकों और एमएलसी सहित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने विधानमंडल से राजभवन तक मार्च किया। इस बीच तेजस्वी यादव ने अग्निपथ स्कीम को देश के युवाओं के साथ छलावा करार देते हुए कहा कि अग्निपथ किसी भी तरह से देश हित में नहीं है। मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने नहीं बल्कि छीनना चाह रही है। अब अग्निपथ के नाम पर 4 साल सेना में काम करने का मौका मिलेगा, तो सवाल यह है कि 4 साल के बाद वो युवा क्या करेंगे। देश के युवाओं और सेना दोनों के लिए अग्निपथ हितकर नहीं है। राजनाथ सिंह ने चिराग पासवान से मांगा समर्थन। बीते दिन देर रात एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी और झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद ऐसी खबरें आ रही है कि बिहार में रालोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान से फोन पर बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगा है, जिसके लिए चिराग पासवान ने हामी भर दी है। चिराग पासवान ने आज सुबह ट्वीट कर लिखा कि एनडीए के द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जाना हमारे लिए गर्व की बात है। देश में पहली बार होगा जब आदिवासी समाज से आने वाली बेटी देश के सर्वोच्च पद पर बैठेगी। लोजपा भाजपा के इस फैसले का पूरा समर्थन करती है। आदिवासी समाज में आने के बावजूद द्रौपदी मुर्मू ने आज जो मुकाम हासिल किया है, ये उनकी काबिलियत और संघर्ष का परिणाम है। समाज के वंचित वर्ग से देश के सर्वोच्च पद की दावेदारी करोड़ों भारतीय के लिए प्रेरणादायक है। इंग्लैंड दौरे के लिए कमर कसकर तैयार है रोहित और विराट। टीम इंडिया को लिसेस्टर के खिलाफ 4 दिवसीय प्रैक्टिस मैच 24 जून को खेलना है और भारत और इंग्लैंड के बीच 2021 में शुरू हुए 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच 1 जुलाई से खेला जाएगा। इस सीरीज में टीम इंडिया 2-1 में आगे है। कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली इंग्लैंड के दौरे के लिए कमर कसकर तैयार है। दोनों के लिए हाल ही में खत्म हुआ इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां सीजन अच्छा नहीं रहा था। ऐसे में दोनों ही इस प्रैक्टिस मैच में अपनी खोई लय को वापस हासिल करना चाहेंगे। प्रैक्टिस मैच से पहले भारतीय टीम लिसेस्टर पहुंची हुई है और कड़ी ट्रेनिंग भी कर रही है, जिसका एक वीडियो
लेसेस्टर शर फोक्सेस के ट्विटर अकाउंट पर साझा की गई है। कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव जारी, देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव बरकरार है। बीते दिन जारी पिछले 24 घंटे के कोरोना के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 63 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। राज्य भर में कुल 72,068 सैंपल की जांच हुई है, जिसके बाद पटना में सबसे अधिक 39 मामले सामने आए हैं। इसके बाद भागलपुर में सबसे अधिक 10 कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं अब राज्य भर में कुल एक्टिव केसों की संख्या 324 हो गई है। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज जो मामले सामने आए हैं वो पिछले आंकड़ों के अनुसार ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बुधवार को अपडेट के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 12,249 नए मरीज आए हैं और 13 लोगों की जान गई है। नए केसेस में एक दिन के पहले के मुकाबले तेजी देखने को मिली है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है जितेंद्र कुमार, लक्ष्मण कुमार, रंजय कुमार, मोहम्मद शहबाज, नुनू कुमार, कुमार कौशल सिंह, बिरजू कुमारी, दिलीप राम, रवि दीवाना, अनिल सिंह, अनीशा कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार चुनी गई द्रौपदी मुर्मू इस पद के लिए कैसी उम्मीदवार है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।